मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने भोपाल में आयुर्वेद की उपयोगिता को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन में पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के बावजूद आयुर्वेद के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने आयुर्वेद की ताकत को जाना है। आयोजन का उद्देश्य औषधीय पौधों के उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर था। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने प्रशासनिक भवन में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन में आयुर्वेद से जुड़ी दवाओं और जड़ी बूटियों को प्रदर्शित किया गया। आयोजन में पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण, वन मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद की खूबियों को गिनाया। उन्होंने कहा, आयुर्वेद इलाज की कारगर पद्धति है। कोरोना के समय दुनिया ने आयुर्वेद की ताकत को जाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आयुर्वेद को षड्यंत्र कर बदनाम करते हैं। आयुर्वेद की रिसर्च पर भी कई बार सवाल खड़े किए गए, लेकिन आयुर्वेद के प्रभाव को दुनिया ने माना और आज विश्व के कई देशों ने आयुर्वेद पर किताब लिख दी है। वहीं उन्होंने योग से व्यापार के सवाल पर कहा कि योग सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आयुर्वेद से दवाइयां बनती हैं और मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वहीं वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि जल्द ही आचार्य बालकृष्ण के साथ MOU करेंगे और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। विंध्य हर्बल के सीईओ दिलीप कुमार ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और आचार्य बालकृष्ण मंत्री विजय शाह के साथ सभी का अभिवादन किया। हमने जब योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में सेवा करने का संकल्प लिया, उस समय पर हमने यह नहीं सोचा था कि हम कहां पहुंच पाएंगे। हमारा एक ही संकल्प था कि हमें काम करना है। तो देशवासियों का प्रेम और निरंतर अनवरत गतिशीलता, और आज भी श्रद्धेय स्वामी जी रात दिन करके उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसका परिणाम है कि आज पतंजलि के माध्यम से, योग आयुर्वेद के माध्यम से एक बड़ा सेवा का कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में तो मैं सोचता हूँ कि महारत हासिल है, चाहे डॉक्टर से बात करो चाहे बात करो। तो कई बार ये सोचिए, कई बार नॉर्मली समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मैंने उसे समय मांगा, जब भी मिलना है आ जाओ सर, इसमें सुना के बताना आ जाओ, तो वो भी इतने सहज हैं और धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं और बात सारी सुनते हैं। आयोजन में आयुर्वेद से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पंडित खुशीलाल शर्मा, आयुर्वेद के प्राचार्य उमेश शुक्ला ने बताया कि आयुर्वेद में लोगों का विश्वास पहले भी था। आयुर्वेद में कठिन रोगों का इलाज किया जाता है। वहीं RGPV स्कूल ऑफ फार्मेसी की डीन डॉक्टर दीप्ति जैन ने आयुर्वेद की उपयोगिता और कार्यक्रम की जानकारी दी। ट्यूबा कॉलेज के डायरेक्टर सुरेंद्र जैन ने भी कार्यक्रम की तारीफ की और आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। दो दिनों में कई सेशंस हुए और हर सेशन की अलग अलग थीम थी, तो उसमें कई स्टेट्स से लोग आए हुए थे और बहुत सारे साइंटिफिक पेपर पढ़े गए और काफ़ी अच्छा था। इस देश में आयुर्वेद हमेशा पॉपुलर रहा है, हमेशा। अगर पॉपुलर ना होता तो इतने सालों की जो एक परतंत्रता थी, मतलब हजारों साल की, तो वो ये जिंदा नहीं रह पाता। कोई भी साइंस जिंदा नहीं रह पाया, केवल आयुर्वेद है जो जिंदा रह पाया है इस देश में, न केवल इस देश में, पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में। औषधीय पौधों के उपयोग के ऊपर एक दो दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें RGPV टेक्निकल पार्टनर था और कार्यशाला विंध्य हर्बल द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री बालाचार्य जी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, और इसमें जितना भी रिसर्च वर्क आया उससे ये निष्कर्ष निकला कि हमको डॉक्यूमेंटेड वैलिडेशन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, जिससे हम आयुर्वेद को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकेंगे और उसको विश्व स्तरीय सम्मान दिलवा सकेंगे। ये दो दिवसीय जो सेमिनार हुआ है मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, ये बहुत ही उपयोगी रहा है और देश विदेश से काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ से आज मुख्य अतिथि थे, वो मुख्य अतिथि जो वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के वो रहे हैं। इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो विंध्य हर्बल्स को और मध्य प्रदेश वनोपज संघ को जाता है, जिन्होंने ये कार्यशाला आयोजित की।
What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।